वो तस्वीर देखिए, जो तस्वीर डराती भी है, घर से निकलने में सचेत भी करती है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पानी का पहरा लग गया है। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां जान के लाले पड़े हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, दिल्ली को क्या बनाना था और क्या बना दिया गया है। महज 30 मिनट की चुल्लू भर बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया। सिस्टम तमाशा देखता रहा, जब तक सिस्टम जागता पानी ने सिस्टम की गर्दन पर चढ़कर पानी बैठ गया। इलाका कोई भी हो, दिल्ली में पानी की तस्वीरें कमोबेश ऐसी ही है। सिस्टम वादों के तंबू पर तनी दिल्ली की बारिश में किसी कागज की तरह धुल गया। बारिश के पानी ने दिल्ली को जाम कर दिया। तस्वीरें धौलाकुआं की हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतार दिखी, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के धौलाकुआं इलाके की हैं, किस तरह से भारी बारिश के बाद यहां गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। दूसरी तस्वीर देखिए, किस तरह से गाड़ियां लगभग पानी में डूब सी गई हैं। और पहली तस्वीर जहां सड़कें झील बन चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं धौलाकुआं की। आप देखिए, पूरा जो बीच वाला लेन है वो रुक चुका है, ट्रैफिक इस पर थम चुका है। आप दुआ करिए कि सड़कों पर भरे पानी में आप नहीं डूबे, वरना पानी बस के अंदर घुस चुका है। मतलब दिल्ली की बारिश को लेकर आप समझ सकते हैं कि पिछले एक महीने में हर हफ्ते जब भी बारिश हुई है, इस तरह की तस्वीर दिल्ली में आई ही है। दिल्ली की किसी भी इलाके में आप जाइए, सिर्फ जगह का नाम बदल जाइए, लेकिन जल भराव और जाम की तस्वीर एक सी होगी। बारिश के बाद दिल्ली में लगा जाम बता रहा है, सिस्टम की नाकामी की वजह से जाम ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। और सिस्टम ने किस तरह से लोगों को परेशान किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की पॉश इलाकों में भी इसी तरह से हालात हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए जाम जंजाल बन चुका है। सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, रिंग रोड, किसी भी इलाके में दिल्ली के आप जाइए, आपको तस्वीरें वही दिखेंगी, समस्याएं वही दिखेंगी। नाम बदलते जाइए, समस्याएं नहीं बदलेंगी। दिल्ली का ड्रेनेज प्लान करीब 48 साल पुराना है। 1976 में इमरजेंसी के समय दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। 1976 के ड्रेनेज मास्टर प्लान उस वक्त की आबादी के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया, जो 24 घंटे में हुई 50 मिलीमीटर की बारिश का पानी निकाल सके। और यही वजह है कि भारी बारिश दिल्ली को डुबो देती है। दिल्ली के दरिया बनने की वजह सीधे तौर पर ड्रेनेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और उसका सही तरीके से देखभाल न होना भी है। गाद या सिल्ट की वजह से मौजूदा जो सीवर सिस्टम है वो भी जाम हो जाता है। सीवर मैनहोल हर बार बारिश में ओवरफ्लो हो जाते हैं। पाइपलाइन की मोटाई कहीं ज़्यादा है या कम है, लेकिन अधिकतर पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं झेल सकता। दिल्ली में जल भराव का एक कारण सड़कों का डिज़ाइन भी है। कई मेन सड़कें और नालियों के ढलान में भी गड़बड़ी है। राजधानी में कुछ जो सड़कें हैं उनको सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जिस वजह से सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन कुछ इलाकों को छोड़ दे तो बाकी इलाकों में पुराना ही है। सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आसपास के कई इलाकों में पुराने डिज़ाइन से ही ड्रेनेज सिस्टम का जाल बिछा हुआ है, और यही वजह है कि यहाँ पूरी तरह से लोग परेशान हैं। इसके अलावा सफाई करने वाले कर्मचारी उसी तरफ कचरा छोड़ देते हैं जो बारिश होने पर नालियों के अंदर बहुत बार बह जाता है। दिल्ली 3 ड्रेनेज बेसिन में बसी है, ट्रांस यमुना ड्रेनेज बेसिन, बारापुला और सबसे बड़ा नजफगढ़ ड्रेनेज बेसिन। दिल्ली में नालों की बात की जाए तो दिल्ली में कुल 201 नेचुरल नाले हैं। नजफगढ़ बेसिन में 123 नाले, बारापुला में 44 और ट्रांस यमुना ड्रेनेज बेसिन में 34 नाले। IT की रिपोर्ट कहती है कि तीनों में कुछ के स्लोप यानी ढाल ठीक नहीं है, क्योंकि कई सीवेज नाले में नहीं जा पाते हैं। दिल्ली में 4 फीट से ऊपर के 713 नाले हैं, 4 फीट से नीचे के 21 नाले हैं। तो नालों में सफाई का जो चैलेंज है वो भी बड़ा है, और कई बार सफाई कर्मचारी इसको सही से नहीं साफ करते हैं, इस वजह से भी बारिश में दिल्ली दरिया बनती रहती है। और कमोबेश हर साल की तस्वीर यही है।